इधर 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 आ रहा है। हाँ निकल रहा है वीडियो बन रहा है भैया। मन छे तो देख पकड़ पकड़ कार पे है चूहा को मार रहा है ना तेरा ना ये हमारी वीडियो वाले पहले वो वीडियो तभी हम लोग बाहर बाहर चले ये वो घर में जो बच्चा है कहीं नहीं लाइट जल रहा है। योर गहूं गहूं चिपके हैं। आज तो लेके मिलेगा। योर गहूं सांप रहे थे। देख सकते हैं दोस्तों, ये छोटा सा सांप था और ये किसी चूहे के पीछे था, किचन में घुस गया था। और जब लोगों ने देखा तो हमें कॉल किया, हम आ गए, इसके रेस्क्यू कर लिए। लेकिन ये बहुत ज़्यादा एग्रेसिव था, क्योंकि उस समय यह शिकार कर रहा था। चूहे भाग रहे थे इसे देखकर और ये उनके पीछे भाग रहा था। हालांकि अंधेरे होने के कारण वहाँ की फुटेज तो हम नहीं ले पाए, लेकिन आप इसकी एग्रेशन देख सकते हैं। छोटा सा है लेकिन किस तरह से एग्रेसिव है, आप इसकी एग्रेशन देख सकते हैं। दोस्तों यह है तो छोटा सा सांप, लेकिन है एक जहरीला सांप। ऐसा सांप यदि काट लेता है तो नॉर्मली लोग झाड़ फूक के चक्कर में रह जाते हैं, जिस कारण से उनकी जान चली जाती है। हम बताते हैं दोस्तों, अगर कोई भी ऐसा सांप कभी आपको बाइट कर लेता है तो आपको झाड़ फूक के चक्कर में बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। सीधा आपको हॉस्पिटल जाना है, तभी आपकी जान बच सकेगी एंटीवेनम से। तो आप देख सकते हैं, छोटा सा है लेकिन बहुत ही गुस्सैल और ख़तरनाक कोबरा सांप घर के अंदर आपके किचन में मौजूद है। सोचिए आप क्या करेंगे। कभी भी ऐसी सिचुएशन हो तो हम जैसे स्नेक सेवर का मदद लें, क्योंकि ऐसे समय में अगर आप सांप मारने जाएंगे तो हो सकता है सांप एग्रेसिव होता है, उस समय शिकार की तलाश में होता है। हो सकता है स्नेक आप पे एग्रेसिव हो जाए और आपको बाइट कर ले। तो चलिए दोस्तों, अब हम इस कोबरा स्नेक को रेस्क्यू कर लेते हैं। निकाल फ्रेंड्स, अब हम इस कोबरा का रेस्क्यू करते हैं। तो आपने देखा साथियों, हमने अच्छी तरह से इस कोबरा स्नेक को रेस्क्यू किया और अब हम इसे ले जाकर इसकी उचित जगह यानी फॉरेस्ट में रिलीज करेंगे। उम्मीद करते हैं आपको हमारा रेस्क्यू वीडियो पसंद आएगा। मिलते हैं अगली बार फिर से और स्नेक के साथ। आपका स्नेक लवर निर्मल कुमार, धन्यवाद।